यहाँ आने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ साफ सफाई के नाम पे जो कर्मचारी रखे गए हैं बड़ी लापरवाही उनकी है। और जैसा कि आपने भी देखा कि तमाम गंदगी है, अब लगभग 9:30 बजने वाले हैं, अभी कुल मिलाकर के 4-5 कर्मचारी ही यहाँ आए हैं। जब मैं आया हूँ तब उसके बाद और सब धीरे 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 खबर लग गई है, लोग आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि तमाम इस देश के इतिहास का इतिहास बनाने वाले, देश को आज़ादी दिलाने वाले तमाम महापुरुषों की मूर्तियाँ नहीं लग पाई हैं। और जैसा कि भाजपा अपना दल गठबंधन की जो सोच है कि जो महापुरुष हैं उनकी याद के लिए जो विभिन्न पार्टियों ने छुट्टी के नाम पे विद्यालय बंद कर दिया था कोर्ट की राजनीति में, ऐसे महापुरुषों को लेकर के हम लोगों ने जो 15 महापुरुषों की छुट्टी थी उसको निरस्त किया और विद्यालय में ही हम लोग उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बच्चों को उनके गार्जियन को बताने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी में हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि क्या साफ सफाई क्या है, क्या कौन कौन महापुरुष की मूर्ति लगी है। तो यहाँ देखने पे लगा कि चूँकि इस देश में जब विदेशी आक्रमण हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई मुसलमानों से हुई, जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उसमें महाराजा सुहेलदेव जी का, जो राजभर जाति से बिलोंग करते थे और जो बहराइच श्रावस्ती में उनका आज भी किला जमीन बंगला बगीचा भी है, लेकिन ऐसे महापुरुष की मूर्ति मैंने पूरे पार्क में घूम के देखा कहीं भी।